बताएं जी कैसी लग रही है, बताएं ना। लड़की नंबर दो। अच्छा जी, आज बाहर जो है ना बारिश हुई है काफ़ी अरसे बाद, तो बारिश की वजह से जो है ना मैं कल ही वॉश कराया भाई कल। ये इस बंदे ने लेके गया ये गौरी में, हालत देखें बाइक की करके लाया, सिर्फ ये मार्केट तक यहाँ तक। इसे कहते हैं लेने के देने पड़े, मतलब हद हो गई ना भाई। इन्होंने कहा था कि हलीम लेके आओ, कल तुम दोबारा वॉश करा के दोगे बाइक। यार इतनी मिट्टी कहाँ से घुस गई है भाजी, कीचड़ थी, कीचड़ है। अच्छा जी, तो शेल्बी तो चल रहा है, शेल्बी के अपने काम शाम चल रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछना ये था कि आप लोग सजेशन दें कि नेक्स्ट बाइक कौन सा लिया जाए। ठीक, सजेशन तो मैं आपसे ले रहा हूँ, लेकिन लेना मैंने अपनी मर्जी का बाइक है। ठीक है, सजेशन आप लोगों से लेने का मकसद ये होता है नए नए आइडियाज मिले, नई नई चीज़ें पता चलें कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में और आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो ये है कि चीज़ मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से अलग ही लाऊंगा इंशाल्लाह, और बड़े मज़े की चीज़ होगी जो भी होगी। बस आप लोगों ने थोड़ा सा साथ देना और सजेशन दें कि कौन सा बाइक होना चाहिए। बनेली बहुत लोग कहते हैं बनेली ले लूँ यार, लेकिन पता है वो एज ए प्रोजेक्ट बाइक नहीं लिया जा सकता। वो अगर लिया जाएगा तो उसको उसी तरह इन्जॉय करना पड़ेगा जैसी वो चीज़ है। तो ये है कि प्रोजेक्ट बाइक हम लेते हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली मॉडिफाई करें अपनी तरफ से, जैसा हम बनाना चाहते हैं उसको वैसा बनाएं। बनेली को प्रोजेक्ट बाइक बनाया जा सकता है, लेकिन इट्स वेरी टू एक्सपेंसिव कि उसके साथ कोई पंगे किए जाएं। तो इतनी महंगी चीज़ के साथ हम पंगा नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग ही होगी, बाकी ये है कि आप लोग अपनी सजेशन दें और फिर देखते हैं कि क्या मूड बनता है और क्या होना चाहिए। ओके जी, बाइक वॉश करवाओ, फिर बारिश, फिर वॉश करो, फिर बारिश, और फिर उसके बाद बंदे की हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि इसको बार बार वॉश करवाए बंदा, और बहुत ही गंदी हालत में मौजूद है इस टाइम बाइक क्योंकि इसके अंग अंग में मिट्टी भर चुकी है। अच्छा, करीब से कैमरा करो फिर सही नज़र आता है, दूर से तो पता ही नहीं चल रहा। तो बाइक जो है ना बिल्कुल मैं इसका ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, तो क्या करें, बस काम ही इतने होते हैं। फिर रेगुलर यूज़ में यही बाइक है तो गुजारा करना पड़ रहा है फ़िलहाल, बट खैर वॉश करवाते हैं इसको दोबारा से, फिर इसके कुछ फोटोज़ वगैरह लेते हैं। बिल्कुल मैंने इसको छोड़ा हुआ है, ख्याल ही नहीं रखा मैंने इसका। मैं भी नया ओनर ढूंढ रहा है बाइक मेरा सून कोई मिल जाए नया ओनर इसको तो अच्छा, बट अभी मुझे पहले कोई और बाइक अरेंज करना है, फिर इसको निकालूंगा इंशाल्लाह। ऐसे निकाल भी नहीं सकता, जो पीछे चेन को लुब्रिकेट किया था और वो सारा जो है रिम पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्लैक रिम पे तो नहीं नज़र आता, वाइट पे सब नज़र आता है। ओके जी, तो लाइफ अपडेट ये है कि काफ़ी इनएक्टिव चल रहा हूँ, मुझे पता है यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रही हैं, कंटेंट नहीं बना रहा क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा और कुछ और मामलात भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं स्टक हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं है, वापस आएंगे गेम में, गेम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। काफ़ी लोग मैसेजेस आते रहते हैं मुझे कि यार वीडियो नहीं आ रही, तो वीडियो इंशाल्लाह आएगी, थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ मामलात हैं जो सेट हो जाएं इंशाल्लाह। हफ्ता लगेगा, हफ्ते के बाद आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा, कुछ नया कंटेंट लेके आऊँगा, कुछ नई चीज़ें, नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। बस आपकी दुआएँ हैं तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये ब्रेक आती रहेगी, हफ्ता एक आएगी ब्रेक। दिल तो मेरा नहीं करता ब्रेक का, लेकिन अभी नहीं है, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वीडियोस बनाऊं मैं रेगुलर। बढ़िया है कि आपको पता है जब कंटेंट आना स्टार्ट होता है तो फिर इकट्ठा ही आता है, सून आपको बहुत मज़े का कंटेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल चलते हैं बाइक वॉश करवाते हैं, फिर बाकी गपशप करते हैं आगे। ओके जी, तो मैं ख्वारी काट के वापस आ चुका हूँ शॉप पे, और क्योंकि मैंने ना 3-4 जगह पता किया और कहीं पर भी स्पेस ही नहीं थी बाइक वॉश करवा सके। मैंने उनसे कहा यार बाइक वॉश कराना है, तो वो कहते हैं भाई थोड़ी देर बाद आ जाना, बड़ा रश है, गाड़ियाँ छड़ी लगी हुई, और आज वाकई बहुत ज़्यादा रश है। जिस भी मैं स्टेशन पे गया हूँ, पंप पे गया हूँ, वहाँ पे रश लगा हुआ था क्योंकि आज छुट्टी है, इलेक्शंस की वजह से छुट्टियाँ दी हुई, तो वहाँ फ्री हो गई है, दोनों ने कहा वॉश कराते हैं। मैंने भी यही सोच के वॉश कराई थी, लेकिन मेरी तो छुट्टी नहीं होती, तो खैर तो अब वॉश नहीं हुआ पाई, क्या करें।
इसी तरह चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा गुजारा चलाते हैं शाम तक या कल तक, फिर वॉश कराएंगे। मेरा दिल था आपको वॉश करके लुक दिखाता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। तो अभी मैं नंबर प्लेट लगाना चाह रहा था बाइक पे, नंबर प्लेट लगाते हैं, और उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मेरे बाइक का इशू आ रहा था, उसका ना स्पीडोमीटर चल नहीं रहा था, तो स्पीडोमीटर मैंने चेक करवाया था, उसका ना उनका गियर ख़राब है, स्पीडोमीटर की जो गरारी है ना वो ख़राब है, मतलब कि ना ये हिस्सा जो है ना ये ख़राब है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर तो उसमें यह है कि ये पूरा चेंज होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको 1200-1500 का मिल जाता है, ठीक है, ये गुड का सा है जो भी है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इस पर नाम लिखा हो शायद, हाँ ये मीटर गियर ही है, ठीक है, इसको मीटर गियर ही कहते हैं। तो ये लगाना है जस्ट वहाँ पे, ठीक है, व्हील खोल के ना वहाँ एडजस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे वायर लग जाएगी तो स्पीडोमीटर शायद काम करने लग जाए। अगर काम करने लग गया तो वेल एंड गुड, ना किया तो फिर कुछ और देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे क्या चीज़ है, ये है जी एडजस्टर, फ्यूल मिक्सचर जिसको कहते हैं ना, फ्यूल मिक्सचर सेट करने वाला एडजस्टर सेट है ये, और ये इतना सा पेच है, ठीक है, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और 1000 रुपये का है ये, और ये यहाँ पे 1000 लिखा हुआ, लेकिन मुझे ये पड़ा है 1100 रुपये का, ठीक है। तो ये मैं बता दूँ आपको, ये पुरानी प्राइसेज हैं, अपडेट कहीं नहीं की होती तो वो फिर यामाहा साहब ने जो है ना, तो ये मेरे बाइक का ख़राब हुआ है जिस वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं बाइक में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा रिस्की काम है, अगर मेरा अगर स्क्रू फंसा हुआ है तो फिर तो रोला है, अगर नहीं फंसा हुआ तो फिर तो ईजी है, ठीक है, फिर जस्ट निकाल के चेंज करना। तो ये दो चीज़ें लगानी है जिसके बाद काफ़ी बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, नंबर प्लेट लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। बताएं जी कैसी लग रही है, बताएं ना, लटकी हुई नंबर प्लेट, वो तो अभी सेट करनी, वैसे नंबर प्लेट का नया ऑसम लग रही है, जबरदस्त नंबर प्लेट का नया डिजाइन आ गया साइड पे। आप आए हमारे लिमिटेड सेंटर पार्ट शॉप स्पोर्ट्स बाइक मंगाने, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, लुक तो मजे की दे रही है, लेकिन ना ये रिफ्लेक्टर अगर बीच में से हट जाए ना, चार चार हो गई है लाइटें, ये वाला नहीं, ये तो लाइट है ना, ये लाइट है, इसको काला कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, इसके ऊपर टेपिंग करवा देते हैं, यहाँ से जो लुक दे रहा है ना मजे की है, बिक गया, बिक गया, सोल्ड। ये ना तार भी खराब हो तो फिर तार लानी पड़े, नहीं ये वो दोबारा ग्रीस लग के ना हो जाएगी सर। अच्छा बस 100 पहुंचने वाली है, 100 जा रही है यार, 20 तक गया, ठीक है, क्या बात है, आप इतनी स्पीड घुमा सकते हैं बस। चलो अब्दुल्ला तुम्हारी बारी, चलो, हेलो भाई, चलो ना कंपटीशन चल रहा है, मेरे से तो नहीं जाना, मेरे तो 10 भी नहीं जानी, ओ भाई भाई 20 तो मैं भी गया, 20 नहीं गया, 5 से ऊपर नहीं गई। क्या कहना चाहेंगे। अच्छा जी, बाइक हावल भाई ने खोल खाल के रख दिया, ज़रा सी समझेगा ट्यूनिंग चल रही है, क्योंकि मिसिंग थोड़ी सी कर रहा था, और थोड़ी सी मिसिंग कर रहा था, और कार्बोरेटर का जो सीन है ना वो चेक करना है, मिक्सचर स्क्रू जो है ना इसका वो ख़राब है, अगर वो चेंज होता हुआ तो अभी कर लेंगे, अगर कोई लंबा काम है तो फिर छोड़ देंगे, और यूरो भी साफ़ करना है इसका, और देखते हैं क्या बनता है, सफाई ज़रूरी है क्योंकि डेली यूज़ में है बाइक, तो ज़्यादा चल रहा है, और कार्बन फुल है अंदर भरा हुआ है, काला शाह हो गया। असल में रगड़ा बहुत है ना बाइक को, इसकी आखिरी दफ़ा ट्यूनिंग मेरा ख्याल तीन एक महीने हो गए, क्योंकि उसके बाद टूर मार रहे हैं, कोई वो चेक शेक नहीं किया इसको, पीछे टेल लगाई थी वो चेक करने के लिए, वो देखते हैं, अगर लगानी हुई तो लगा लेंगे। अच्छा जी, अभी हमने यूरो खोला है और यूरो के हालात आपको दिखाएं, तो ये देखें, ओए होए होए होए, टनो टन अंदर ना गंद भरा हुआ है, और ये मैंने आपको याद होगा वीडियो होगी 2 या 3 महीने पहले साफ़ करवाया, उससे भी कम टाइम हुआ, और
ये सफाई कितनी ज़रूरी है, तो ये अब आपको समझ आ रहा है। फिर कहते हैं एवरेज डाउन हो गई है तो मसले आ रहे हैं, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी ये सफाई शफाई इसकी होती है तो फिर आपको दिखाते हैं।